हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे संस्कृत के अंदर स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 11, यस्य जननम तस्य मरणम, व्हूसो एवर इज बॉर्न इज श्योर टू डाई। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ अवर एज ओल्ड ट्रेडिशन टू प्रीच मॉरल थ्रू स्टोरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ संस्कृत लिटरेचर अवेलेबल टूडे। इट कैन बी सेड दैट दिस ट्रेडिशन हैज स्टार्टेड विद चटकमला ऑफ आर्यश्रा। इट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धास प्रीवियस बर्थ्स। द थीम ऑफ दिस स्टोरीज इज वेर एंड वॉट ऑस्पिशियस थिंग्स बुद्धा परफॉर्म्ड इन हिज प्रीवियस बर्थ। Thereafter, many stories were written in Sanskrit and still it is going on. ये बताया है कि ट्रेडिशन है, जो हमारी परंपरा है, उसमें सबसे ज़्यादा बातें मॉरल स्टोरीज की होती है कि जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है। संस्कृत के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आज भी लिटरेचर के अंदर अवेलेबल है और उसी में से एक है जटकमला ऑफ आर्यश्रा कि जिसने ये ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा था, जिसके अंदर जो स्टोरीज है वो लॉर्ड बुद्धा के प्रीवियस बर्थ की है। थीम ऑफ द स्टोरीज इज वेर एंड व्हाट ऑस्पिशियस थिंग्स बुद्धा परफॉर्म्ड इन हिज प्रीवियस बर्थ। तो यहाँ पे जो थीम होती है स्टोरी की वो कहाँ पर है और कैसी है, क्यों है, और वो जो कीमती चीज़ें हैं कि जो बुद्धा अपने पहले के जो अपने जन्म थे उसमें वो यूज़ करते थे, तो उसकी बात थी। और फिर ऐसे उसके एक के बाद दूसरी लिखी गई है। इट इज़ द पिक्युलैरिटी ऑफ संस्कृत स्टोरीज दैट द नेम गिवन टू कैरेक्टर सिग्निफाइज द वर्क और क्वालिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। In present story, there are two characters, Vittadas and Kutadas. Vittadas means servant of wealth and Kutnath means master of frauds. Vittadas is presented as greedy and Kutnath as a person cheating anyone by his fraud. संस्कृत के अंदर जो ये स्टोरी है उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके नाम दिए गए होते हैं और नाम किस हिसाब से देते हैं कि जो उसके पास कैरेक्टर है, क्वालिटी है, वर्क को सिग्निफाई करने की उसमें अहमियत है, उस हिसाब से नाम दिया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर 2 में जो यद भविष्य थी प्रत्युत्मति थी, चैप्टर 2 में जो यद भविष्य थी प्रत्युत्मति थी उसके भी नाम इसी हिसाब से दिए गए थे कि जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं उसी हिसाब से वो वहाँ पर नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टोरी है उसमें दो कैरेक्टर्स है, एक है वित्तदास और दूसरे है कुटनाथ। तो जो वित्तदास है वो सर्वेंट ऑफ वेल्थ है कि पैसे उसके पास काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो सेठ है। और जो कुटनाथ है वो फ्रॉड में सबसे ज़्यादा नंबर वन है, यानी कि मास्टर ऑफ फ्रॉड है। तो विट्टदास को यहाँ पे एकदम से ग्रीडी पर्सन दिखाया गया है और कुटनाथ को यहाँ पर ऐसा पर्सन दिखाया गया है कि कोई भी पर्सन को वो चीट कर सकता है इजीली। देयर इज वन मैक्सिम इन संस्कृत, लोभः पापस्य कारणम। संस्कृत में एक बहुत ही अच्छा कि लोभ करना कोई भी पाप का मूल कारण है, यानी कि आप अगर पाप की शुरुआत देखोगे तो वो सबसे पहले लोभ से ही शुरू होती है। ग्रीड इज़ द बेसिक रूट ऑफ ऑल सिंस। कोई भी चीज़ में आपको अगर लोभ आ गया ना, दैट मीन्स आपका वहाँ से पनौती बैठ गई। द प्रेजेंट स्टोरी एक्सप्लेन्स हाउ द ग्रीड कॉजेस हार्म बाय मेकिंग वन हेल्पलेस टू डू अनफेयर थिंग्स। इन द लेसन मैनी एडजेक्टिव्स एंड सब्सटेंटिव्स आर यूज which will be helpful to know the use of visheshan and visheshya. यहाँ पर जो स्टोरी एक्सप्लेन की गई है वो उसी पर डिपेंड करती है कि ग्रीड की वजह से, यानी कि लोभ लालच की वजह से
हम कितना खराब हमारे साथ हो जाता है, हम कितना हार्मफुल फील करते हैं, और हेल्पलेस भी हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ हमारे साथ सही तरीके से नहीं होती क्योंकि हम में लोभ आ गया है। इसीलिए पूरा का पूरा चैप्टर विशेषण एंड विशेष्य से भरा है। चैप्टर देखते हैं हम लोग। अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुत लोभः समृद्धः कश्चित् वणि गजनः तस्य कुटनाथाभितस वेश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्। अस्ति वित्तदासो नाम, यानी कि यहाँ पर एक वित्तदास के नाम का एक बहुत ही लोभ लालच वाला एक वणिक था, यानी कि मर्चेंट था। वो काफ़ी समृद्ध था, यानी पैसे वाला था, और साथ में वहीं पर उसके पास में रहता था, नेबर था, एक मर्चेंट था वो भी। वो उसका नाम था कुटनाथ। एकदा कुटनम यद्यम वित्तदासः धनिकोपि लुब्धो वर्तते। यानी कि कुटनाथ, यहाँ पर अब हमें पता चल जाएगा लोभ का भी मतलब पता चल गया हमें, ग्रीडीनेस। तो उसको ज़्यादा पैसे की लालच आ गई। अतः केनापि उपायेन मया असो वजनीयः एवं विचार्य सः कुटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहमुपगम्य अकथयत। यानी कि एकदा, यानी कि एक दिन वित्तदासस्य गृह, यानी कि वित्तदास के घर पर वो गया और कुटनाथ वो उससे पूछता है, भोः श्रेष्ठिनम् अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः श्वसः अतिथयः भविष्यन्ति, तेषामर्थे भोजनादि निर्माणाय। भोजनादि यानी कि भोजन का हमें आयोजन करना है, अरेंजमेंट करना है। कानिचित पात्राणि कृपया मुझे बहुत वेसल्स मुझे चाहिए, परश्वः तानि प्रत्ययिष्यामि, यानी कि एक दिन पश्चात मैं आपको दे दूंगा। प्रातिवेशिक धर्मभावेन वित्तदासः कुटनाथाय पात्राणि प्रायच्छत। अभी नेबर है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी ड्यूटी होती है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो यूटेंसिल्स को हैंड ओवर कर देता है। इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। देर वॉज अ सर्टेन रिच मर्चेंट नेम वित्तदास हु वॉज वेरी ग्रीडी। ही हैड अ नेबर हु वॉज अ मर्चेंट बाय द नेम कुटनाथ। वंस कुटनाथ थॉट दिस वित्तदास इज ग्रीडी इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, सो ही शुड बी डिसीव्ड by me by any means. Thus thinking Kutnath once having gone to Vidda's house said, O rich merchant, tomorrow many of our relatives will be our guest. Please give me some utensil for preparing food, etc. for them. I shall return them day after tomorrow. Vidyasa handed over the utensils to Kutnath with a sensibility of his duty as a neighbor. एक बहुत ही पैसे वाला मर्चेंट था जिसका नाम था वित्तदास, और वो काफ़ी लोभी था, और पास में ही रहता था कुटनाथ करके एक मर्चेंट। कुटनाथ ने एक दिन सोचा कि वित्तदास काफ़ी लालच वाला है, लोभ वाला है और पैसे वाला भी है, तो एक काम करता हूँ कि किसी भी तरीके से उसको मैं चीट कर लेता हूँ। और ऐसे सोच के कुटनाथ उसके पास जाता है वित्तदास के हाउस पर और बोलता है कि मर्चेंट, मेरे घर पर कल है ना काफ़ी सारे रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो मुझे खाना भी बहुत बनाना है, तो मुझे थोड़े यूटेंसिल्स कम लग रहे हैं, तो क्या आप मुझे आपके यूटेंसिल्स दोगे? मैं आपको नेक्स्ट डे रिटर्न कर दूंगा। वित्तदास बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो तू मेरा पड़ोसी है ना, तो मैं तुझे दे देता हूँ। पात्रोपयोगावसाने कुटनाथः पात्राणि प्रत्युत्पीयितुं वित्तदासस्य गृहं गच्छत। तेह पात्रे सह कुटनाथः अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। लघूनां नूतनानां पात्राणां दर्शनेन विस्मितः वित्तदासः कुटनाथं पृच्छतः, भो वयस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति। कुटनाथः अकथयत, मित्र, यानि पात्राणि भवता दतान तान मम गृत रात्रा प्रसूतानि। एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः, पात्राणां
प्रत्यानि सन्ति औपपत्यरूपेण नूतनात्राणि समप्राप्य वितदासः प्रसन्नः जातः। पात्र यानी कि वेसल्स, तो वो एक दिन कहाँ पे गए थे कि कुटनाथ के घर पर गए थे। कुटनाथ ने ये वेसल्स अपने घर पर रखे और दूसरे दिन वो वितदास के घर गया और यूटेंसिल्स रिटर्न करने के लिए। ते पात्रे सह कुटनाथ अन्यानी कानिचित, यानी कि उसके साथ साथ वो लघुनी नूतनानी यानी कि छोटे छोटे और भी वेसल्स साथ में लेकर गया। तो ये सोचकर कुटनाथ ने फिर से पूछा कि ये क्या है, ये कहाँ से आए, ये पात्र मेरे नहीं है, मम न सन्ति। कुटनाथ अकथयत, तो फिर कुटनाथ फिर से बोलता है, मित्र यानी यह जो यहाँ पर यानी कि वितदास ने कुटनाथ को पूछा कि ये पात्र मेरे नहीं है, तो कुटनाथ ने क्या कहा कि बोला कि भाई ये पात्र रात भर मेरे घर पर रहे ना, तो वहाँ पर छोटे छोटे और वेसल्स भी दे दिए थे, तो उसी वजह से यहाँ पर दुगने हो गए यानी कि छोटे वेसल्स साथ में आ गए। आफ्टर द पर्पस ऑफ द यूटेंसिल्स वॉज सर्व्ड, कुटनाथ वेंट टू वितदास हाउस टू रिटर्न द यूटेंसिल्स। कुटनाथ प्लेस सम न्यू स्मॉल साइज यूटेंसिल्स ऑल्सो विथ धोज यूटेंसिल्स। वितदास हु वॉज सरप्राइज बाई द साइट ऑफ द न्यू यूटेंसिल्स आस्क कुटनाथ, ओ फ्रेंड दिस यूटेंसिल्स आर नॉट माइंड। कुटनाथ सेड, फ्रेंड द यूटेंसिल्स दैट वेर गिवन टू मी बाई यू गिव बर्थ टू दीज इन माई हाउस एट नाइट। दिस न्यू यूटेंसिल्स आर द यंग वंस ऑफ योर यूटेंसिल्स। Having got the new utensils as the young ones, Vitdas was pleased. यानी कि वहाँ पर उसका पर्पस था कि यूटेंसिल को फिर देना है, तो वो कुटनाथ वितदास के घर पर गया और यूटेंसिल्स दे दिए। कुटनाथ ने साथ में थोड़े छोटे छोटे साइज के यूटेंसिल्स भी रख दिए थे, तो वितदास तो सरप्राइज हो गया कि ये क्या बात हुई, नए यूटेंसिल्स कहाँ से आए, तो पूछा कुटनाथ। तो कुटनाथ ने बोला कि अरे ये कुटनाथ को कहा कि भाई ये यूटेंसिल्स मेरे नहीं है, तो कुटनाथ ने क्या कहा कि अरे मित्र, अरे फ्रेंड, ये यूटेंसिल्स मेरे घर पर रात भर रहे ना, तो छोटे यंग वंस भी वहाँ पर बॉर्न हो गए हैं यानी कि न्यू प्रोड्यूस हो गए हैं। तो ये तो वितदास तो काफ़ी ग्रीडी था, वो तो अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहा कि अरे वाह, मुझे तो आज नए यूटेंसिल्स मिल गए। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथ पुनरपि वितदासं पात्रां प्रत्येभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मृत्या प्रेरितो वितदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथ, यानी कि फिर से कुटनाथ वहाँ पर वितदास के पास गया यूटेंसिल्स लेने के लिए। अभी इसके मन में कुछ फ्रॉड चल रहा था कि अब देखता हूँ कि कैसे उसको मैं रिटर्न दूँ ऐसे करके। व्यतीतेपि एक मासे यदा कुटनाथ पात्राणि न प्रत्यर्पितवान् तदा चिन्तामापन वितदास कुटनाथ गृहं गृत्वा स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। फिर एक मास यानी कि सारे उसने तो लोभ में आके वितदास ने अपने सारे के सारे यूटेंसिल्स दे दिए कि ले जाओ इसको भी लेके जाओ। फिर क्या हो गया, पूरा एक महीना पास हो गया, अभी तक कुटनाथ नहीं आया कि भाई वेसल्स देने के लिए। तो फिर तो वितदास थक गया और बोला कि चलो मैं ही जाके वहाँ से यूटेंसिल्स लेकर आता हूँ। कुटनाथ सशोकम अकथत, भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि। कुटनाथ ने तो बहुत ही शोक जैसा फील किया और बोला कि अरे सारे जो यूटेंसिल्स थे ना वो तो सारे मर गए। वितदासः कोपाविष्टः सन अकथयत, एवं कथम भवेत भो वज्यक त्वं मिथ्या वदसि, निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति। वितदास तो बहुत गुस्से में आ गया था और बोला कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये बात तो आपकी बिल्कुल से गलत है, कोई भी कोई नॉन लिविंग थिंग है वो मर सकती है, क्या ऐसा कभी संभव होता है।
When some days passed, Kuttnath again requested Vidyas for the utensils. Vidyas prompted by the wrong thinking that there would be gain of even more utensils than the utensils given, gave him all the utensils that he desired. Even after a month passed, when Kuttnath did not return the utensils, Vidyas, who was worried, went to the Kuttnath's house and asked for his own utensils. Kuttnath said with dejection, "All your utensils died." Being overcome with anger, Vidyas said, "How will it happen like this? O cheat, you are telling a lie. How is the death of inanimate utensils possible?" दिन हो गए, फिर कुटनाथ फिर से आया रिक्वेस्ट करने के लिए विटदास को कि मुझे थोड़े यूटेंसिल्स चाहिए. तो विटदास तो उसने दिमाग में, पहले मैंने दिया था तब थोड़े यूटेंसिल्स ज़्यादा आ गए थे, तो इस बार मैं क्या करता हूँ कि सारे के सारे यूटेंसिल्स दे देता हूँ. उसकी वजह से क्या होगा कि मुझे और ज़्यादा यूटेंसिल्स मिलेंगे. तो उसने सारे के सारे यूटेंसिल्स जितने थे ना वो दे दिए. एक महीना पास हो गया लेकिन कुटनाथ तो आया नहीं यूटेंसिल्स देने के लिए. तो विटदास ने काफ़ी चिंता में आकर उसके पास गया और बोला, घर पर ही वहाँ पर गया और बोला कि हे कुटनाथ, तू मुझे दे दे मेरे जो यूटेंसिल्स तू लेकर गए थे वो. तो कुटनाथ ने तो काफ़ी वो लेस फीलिंग में बोला, अरे तेरे जितने भी यूटेंसिल्स थे ना वो सारे मर गए. और विटदास तो काफ़ी गुस्से में आ गया, बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, तूने तो मेरे साथ चीटिंग की है, तू तो फ्रॉड है. ऐसे कभी होता है, सब झूठ बोल रहा है. कभी इनएनिमेटेड जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो कभी भी डेथ कर सकती है क्या, वो मर सकती है क्या. कुटनाथ धैर्यम वलंब्य शांत वचसा अवदत. महोदय, यानी कि एकदम शांति से सब सुन रहा था क्वाइट मैनर में, और फिर बोला कि महोदय, यानी कि बड़े मानस, ग्रेट विमेन, यदि पात्राणाम जन्म भवती, अगर कोई यूटेंसिल्स है वो बोर्न हो सकते हैं, तही तेषां मरण अपि भवति, तो उसी तरह वो मर भी सकते हैं. पूर्वजातानि पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति, यानी पात्राणि भवत विद्ध दतानी तानी मम गृहे मृतानी. जैसे मेरे घर पर उसने जन्म लिया था उसी तरह मेरे घर पे ही वो उन लोगों की डेथ हो गई. तत्र हम किम करतु समर्थ, मैं क्या कर सकता हूँ. पश्य जन्म भवति पात्राणं मरणे संशयः कथम, जगति यत् समुपनम नश्यति सर्वथा ध्रुवम. यानी कि जो यूटेंसिल्स बर्थ ले सकते हैं तो उसमें क्या डाउट है कि वो मर सकते नहीं हैं. तो यही बात है कि जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो डिस्ट्रॉय होती ही है. कुटनाथ प्लकिंग अप करेज सेड इन अ क्वाइट मैनर, ग्रेट मैन, इफ द बर्थ ऑफ द यूटेंसिल्स कैन टेक प्लेस, इवन दैट डेथ इज लाइकली. The utensils born earlier are shining in your house. The utensils that had been given by you died in my house. What can I do in that matter? See, the birth of utensils take place. How can there be a doubt about death? In this world, whatever is produced surely get destroyed. Kutnath ne kafi himmat bola, ekdam shanti se. कि अरे बड़े आदमी, जैसे यूटेंसिल्स ने मेरे घर पर जन्म लिया था उसी तरह वो मर भी गया है. पहले मैंने दिए थे ना आपको शाइनिंग वाले जो यूटेंसिल्स, वो मेरे ही घर पर पैदा हुए थे, और अभी जो यूटेंसिल्स हैं ना वो सारे के सारे मेरे ही घर पर मर गए हैं. तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. जैसे कोई यूटेंसिल्स जन्म ले सकता है उसी तरह उसमें मरने में क्या डाउट है. जो कभी भी प्रोड्यूस होता है वो डिस्ट्रॉय तो होता ही है, यानी कि ख़त्म तो होना ही है. थैंक यू सो मच.